हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे हम बच्चों के साथ किस तरह से एक पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हैं, किस तरह से हम बच्चों को उनका चाइल्डहुड इंजॉय करवा सकते हैं, एज वेल एज हम अपनी पेरेंटिंग लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही पॉइंट्स एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिनके थ्रू आप इजीली अपनी पेरेंटिंग लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं एंड बच्चों के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। सो नाउ लेट गेट स्टार्ट। बच्चों के साथ एक अच्छा एंड गुड रिलेशनशिप बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम बच्चों को हैप्पी रख सकें। हम जितना ज़्यादा बच्चों को हैप्पी रखेंगे, बच्चे अपने आप को हमसे उतना ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। हैप्पी रखने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप बच्चे के साथ प्ले कर सकते हैं। बच्चों को जो भी टॉयज पसंद है आप बच्चों के साथ उन टॉयज को प्ले करें। इंडोर प्ले के साथ साथ आप बच्चों के साथ आउटडोर प्ले भी कर सकते हैं। जब भी आप बच्चे के साथ गार्डन में या बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं तो आप बच्चे के साथ फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट, हाइड एंड सीक। बच्चों को स्लाइड पसंद है तो आप स्लाइड पर उनके साथ इंजॉय कर सकते हैं। स्विंग पे बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जिनमें आप बच्चों के साथ प्ले कर सकते हैं एंड आप बच्चों को प्रॉपर टाइम दे सकते हैं। प्ले करते टाइम हम अपना सारा टाइम बच्चों को देते हैं, इससे बच्चे काफ़ी हैप्पी फील करते हैं एंड अपने आप को हमसे कनेक्टेड फील करते हैं। आप बच्चों को अपनी हेल्प करने दें। बच्चों को बहुत मजा आता है घर के काम में हाथ बटाने में या किचन में काम करने में, तो आप बच्चों को अपनी हेल्प करने के लिए दें। बच्चे मेसअप भी करेंगे क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बट ये सोचने के बजाय कि बच्चे मेसअप करेंगे, आप उन्हें ये सब चीज़ें करने दें। जिसमें आप बच्चों को, अगर आप रोटी बना रहे हैं तो आप आटा बच्चों को डो दे सकते हैं जिससे वो रोटी बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप वेजिटेबल्स को सॉर्ट कर रहे हैं या फ्रिज में रख रहे हैं तो आप बच्चों को उसमें अपनी हेल्प करने के लिए दे सकते हैं। अगर आप बेकिंग कर रहे हैं तो आप बच्चों को मेजरिंग कप का यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। इन सब चीज़ों से बच्चे बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं, साथ में वो आपके साथ इतना टाइम स्पेंड भी करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा फील करते हैं एंड काफ़ी रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। क्योंकि हम उन्हें पहले ही बोल देते हैं बेटा अच्छे से करना, गिराना मत, तो वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ये सब वर्क करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे छोटे हैं, वो गंदा करेंगे, तो आप क्लीनिंग में भी बच्चों की हेल्प ले सकते हैं। आप बच्चों को बोलो कि आपने ये गंदा किया है तो चलो आप मेरी हेल्प करो, तो बच्चे इन सब चीज़ों से काफ़ी चीज़ें लर्न करते हैं एंड काफ़ी आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बच्चे काफ़ी टाइम तक आपके साथ इंगेज रहते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं एंड बच्चों को टाइम दे सकते हैं। अलावा आप बच्चे को इंकरेज करें, अप्रिशिएट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे आपकी हेल्प कर रहे हैं किचन में या बाहर भी कुछ काम कर रहे हैं या अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं एंड जब वो आपको शो करते हैं वो सब चीज़ें, तो आप बच्चों को हमेशा इंकरेज करें। गुड जॉब, ग्रेट जॉब, एक्सीलेंट, ऑसम, इस तरह के गुड वर्ड्स का यूज़ करके आप बच्चों को अप्रिसिएट करें एंड बच्चे काफ़ी हैप्पी फील करते हैं जब आप उनको इस तरह से पॉजिटिव वर्ड्स के साथ रिस्पॉन्स करते हैं एंड आपसे काफ़ी कनेक्टेड फील करते हैं। इस तरह से आप बच्चों के साथ एक गुड एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप कुछ वर्ड्स का यूज़ करके ईजिली बना सकते हैं। अलावा आप बच्चे के साथ पॉजिटिव बात करें। होता है कभी कभी जब बच्चे कुछ इस तरह की हरकतें कर देते हैं कि हमें बहुत गुस्सा आ जाता है या कुछ तोड़ फोड़ कर देते हैं जब हमें बहुत गुस्सा आ जाता है और हम बच्चों के ऊपर चिल्ला देते हैं एंड समटाइम्स हम कुछ ऐसे बैड वर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए होता है एंड हमें ये चीज़ बाद में फील भी होती है कि हमें ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करना थे। बच्चों के ऊपर हम इस तरह से चिल्लाते हैं तो बच्चे काफ़ी डरा हुआ महसूस करते हैं एंड काफ़ी सैड फील करते हैं। इसके बजाय अगर हम बच्चों को धीरे से प्यार से समझाएंगे तो बच्चे और जल्दी समझ जाएंगे कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो आप बच्चों के साथ जब भी बात करें या जब भी गुस्सा भी आए तो आप जहाँ तक कोशिश करें कि आप पॉजिटिवली बच्चे को बैठकर प्यार से समझाएं, इससे बच्चे जल्दी सीखेंगे। जब भी हम बच्चों को डांटते हैं तो बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि हमें क्यों डांट रहे हैं, वो हमसे यही चीज़ें सिर्फ लर्न करते हैं कि मम्मी ने कौन से वर्ड्स यूज़ करे हैं एंड कहाँ पर मुझे ये वर्ड्स यूज़ करना है, वो ये सब चीज़ें हमसे सीखते हैं एंड उन्हीं वर्ड्स का जब उन्हें सिचुएशन मिलती है तो वो यूज़ करते हैं। बच्चे हमें पूरी तरह से कॉपी करते हैं, तो हम जो वर्ड्स यूज़ करेंगे या हम जो बात बोलेंगे बच्चे वही चीज़ें रिपीट करते हैं। तो आप बच्चे के साथ जितना पॉजिटिवली बात कर सकेंगे बच्चे भी पॉजिटिव टॉक करना ही सीखेंगे। आप बच्चे की बात को लिसन करें। बच्चों के बात को लिसन करना इट्स अ बिग टास्क, क्योंकि बच्चे हमेशा ऐसी बातें करते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो हमें लगता है कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि बिना सिर पैर वाली बातें करते हैं, बट फिर भी हमें बच्चों की बात सुनना चाहिए। हम अगर बच्चे की बात सुनेंगे तो बच्चे हम पर ट्रस्ट करना सीखेंगे, उन्हें लगेगा कि हमारी बात का या मेरी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन मेरी मम्मा या मेरे पापा कर सकते हैं। अगर हम बच्चों की बात नहीं सुनेंगे तो बच्चे हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे और नेक्स्ट टाइम वो हमसे वही चीज़ें पूछेंगे नहीं। बच्चे काफ़ी क्यूरियस होते हैं, उनके डिफरेंट इमेजिनेशंस होते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो आप बच्चों की बातों का आंसर करें। समटाइम्स मेरा बेटा मेरे से क्वेश्चन पूछता है कि मम्मा एरोप्लेन हवा में क्यों उड़ता है, ट्रैक पे क्यों नहीं चलता है, या ट्रेन ट्रैक पे क्यों चलती है, हवा में क्यों नहीं उड़ती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं एंड हमें वो क्वेश्चंस सिली लगते हैं। कोशिश करें कि आप बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। अगर आप बच्चों के क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते तो आप बच्चों को बता दें कि मुझे अभी नहीं आता है, मैं या तो सर्च करके आपको बताऊंगी या बाद में मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से आप बच्चों को डाइवर्ट कर सकते हैं। बट अगर आप उन्हें डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि नहीं मेरे पास नहीं आंसर है या ये कैसा क्वेश्चन है, सिली क्वेश्चन है,
तो बच्चे आपके पास फिर से वो क्वेश्चन पूछने ही नहीं आएंगे एंड उनकी जो क्यूरोसिटी है वो दब कर रह जाएगी। तो आप बच्चों की कोशिश करें जितने क्वेश्चंस के आप आंसर दे सके आप प्रॉपर दें। इस तरह से भी आप बच्चों के साथ एक काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप बना सकते हैं उनकी बातें सिर्फ सुनकर। उसके अलावा आप बच्चे के साथ टॉक करें, आप बच्चे के साथ टॉक करके भी एक काफ़ी गुड एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सकते हैं। बिफोर स्लीपिंग आप जब भी बेड पर लेटे रहते हैं तो बच्चे के साथ आप उनसे बात करें, आपका पूरा दिन कैसा रहा, आपने क्या क्या फील किया। ऐसा नहीं कि ओनली गुड फीलिंग्स, आप बच्चे के साथ खुद की फीलिंग्स शेयर करें, जैसे आज पूरे दिन में आपने क्या हैप्पी फील किया, कहाँ पर आपको सैड लगा, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी, ये सब चीज़ें आप बच्चे के साथ शेयर करें। एंड सेम चीज़ें आप बच्चे से भी पूछें, तो आप जब इस तरह से शेयर करेंगे तो बच्चे भी अपने सारे इमोशंस आपके साथ शेयर करेंगे, उन्हें कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सी चीज़ उन्हें सैड फील कराती है, ये सब चीज़ें बच्चे आपके साथ शेयर करेंगे। एंड इससे भी आप काफ़ी अच्छे से अपने बच्चे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप बच्चे के साथ रीडिंग करें, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। आप बच्चे के साथ डेली बुक रीड करें अकॉर्डिंग टू एज, आप बच्चे के लिए डिफरेंट एज की डिफरेंट बुक्स अवेलेबल होती है, आप वो बच्चे के साथ रीड कर सकते हैं। रीडिंग करने से भी बच्चे काफ़ी कनेक्टेड फील करते हैं। आप बच्चे को अपनी लैप पर बिठाकर बुक रखकर आप बच्चे के साथ रीड करें। अगर बच्चे रीड करना चाहते हैं तो आप बच्चे को रीड कराएं या फिर आप खुद उन्हें रीड करके सुनाएं। इससे बच्चे आपसे काफ़ी कनेक्टेड फील करते हैं, वो अपने इमेजिनेशंस आपके साथ शेयर करते हैं, उन्होंने क्या सोचा, उन्हें क्या लग रहा है, इस स्टोरी में क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ, ये सब चीज़ें बच्चे आपके साथ शेयर करते हैं। एंड इससे बच्चे आपके साथ काफ़ी कनेक्टेड होते हैं एंड काफ़ी हैप्पी होते हैं। इस तरह से आप बच्चों के साथ रीडिंग करके भी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सकते हैं। आप बच्चे को प्रॉपर अटेंशन दें, बच्चे काफ़ी हैप्पी फील करते हैं जब आप बच्चे की बात सुनते हैं, समझते हैं या उन्हें रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत ज़रूरी है, अगर बच्चे के साथ आप एक गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो आप बच्चे को अटेंशन दें। बच्चे की बात सुनना, समझना या बच्चे को रिस्पॉन्ड करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हम समटाइम्स बच्चों को इग्नोर कर देते हैं या डायरेक्टली हम उसे नो बोल देते हैं, तो बच्चे उस टाइम पर काफ़ी सैड फील करते हैं। तो इससे बच्चे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो आप बच्चे को प्रॉपर अटेंशन दें, आप हमेशा हैप्पीली बच्चों की चीज़ें सुने एंड उन्हें समझें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तब भी आप बच्चों को प्रॉपर धीरे से समझाएं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है बेटा, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, आफ्टर सम टाइम मैं आपको इसी चीज़ का आंसर देता हूँ या देती हूँ। तो इस तरह से आप बच्चे के साथ काफ़ी गुड रिलेशनशिप बना सकते हैं। आप बच्चे को बहुत सारा प्यार दें, जैसे आप बच्चों को हग करें, किस करें या अपने लेप पर बिठाकर उन्हें पेम्पर करें। जब भी बच्चे कभी गिर जाते हैं या उन्हें कुछ लग जाता है और हम उन्हें थोड़ा सा उठा के पेम्पर कर देते हैं तो वो काफ़ी हैप्पी फील करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में ऐड करें जिससे बच्चे आपसे काफ़ी कनेक्टेड फील करें एंड उन्हें लगे कि मेरे पेरेंट्स मुझे काफ़ी प्यार करते हैं। इस तरह से आप बच्चे के साथ काफ़ी कनेक्टेड फील कर सकते हैं एंड उन्हें भी कनेक्टेड फील करा सकते हैं। आप बच्चों को इस तरह से पेम्परिंग करके भी काफ़ी अच्छे से अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सके। अलावा आप बच्चे को टाइम दें, नॉट फॉर ओनली स्टडी। समटाइम्स हम आज की बिजी शेड्यूल में यही करते हैं कि बच्चे को होमवर्क कराना है तो हम अपना टाइम निकाल के बच्चों को फटाफट होमवर्क करवाते हैं या उसका क्लास वर्क जो भी रहता है, घर का जो भी वर्क रहता है, वो सब चीज़ें हम करवाने में बिजी हो जाते हैं एंड वो करवा के हमें लगता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल हो गई। बट उसके अलावा भी आप बच्चों के लिए टाइम निकालें एंड उन्हें टाइम दें जिसमें आप बच्चे के साथ प्ले कर सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, एक जो भी वो उनके माइंड में जो क्यूरोसिटीज़ हैं उन्हें आप फुलफिल कर सकते हैं आंसर देकर। तो ये सब चीज़ों के लिए आप बच्चों के लिए टाइम निकालें। आप टाइम देकर बच्चों के साथ एक काफ़ी गुड, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकते हैं। मैंने आपके साथ टोटल 10 पॉइंट शेयर करे हैं जिनके थ्रू आप इजीली बच्चों के साथ काफ़ी गुड, हेल्दी, पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सकते हैं एंड बच्चों को चाइल्डहुड अच्छे से इंजॉय करा सकते हैं एंड साथ में अपनी पेरेंटिंग लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।